जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर प्रोजेक्ट बेस्ट लर्निंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट बेस्ट लर्निंग कार्यक्रम अंतर्गत विज्ञान विषय कक्षा 6 से 8 जिला स्तरीय प्रतियोगिता डाइट बांका में जिला पदाधिकारी बांका श्री अंशुल कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुभारंभ की, जिसमें सभी प्रखंडों के चयनित विद्यालयों ने भाग लिया और अपनी प्रदर्शनी प्रस्तुत की। उनके द्वारा पवन ऊर्जा, सौर मंडल, जल चक्र, ड्रिप सिंचाई, मानव की आंतरिक प्रणाली, ऑक्सीजन की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषण इत्यादि पर अपने मॉडल प्रस्तुत किए। जिला पदाधिकारी द्वारा बच्चे के बनाए गए प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। उनके द्वारा संबंधित प्रदर्शनी के बारे में बच्चों से जानकारी भी ली गई। जिला पदाधिकारी को अपने बीच पाकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। इस दौरान डाइट बांका के प्रभारी प्राचार्य सहित अन्य लोग मौजूद थे। युवा राजद ने की एक दिवसीय बैठक आयोजित किया, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। शुक्रवार को युवा राजद के जिलाध्यक्ष विशाल यादव की अध्यक्षता में एक दिवसीय बैठक सिंचाई निरीक्षण भवन बांका में आयोजित की गई। आयोजित बैठक में पटना में होने जा रही राज्य स्तरीय ग्राम चौपाल को सफल बनाने का कार्यकर्ताओं से अपील किया गया। साथ ही आगामी 28 फरवरी को पटना में बापू सभागार में राज्य स्तरीय ग्राम चौपाल में बांका जिले से प्रखंड अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष व राजद कार्यकर्ताओं को काफी संख्या में भाग लेने की अपील की। और उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव की 17 महीना की सरकार में युवाओं को काफी संख्या में उन्होंने सरकारी नौकरियां दी, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार ने 17 साल में यह काम नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो जातीय जनगणना किया वो बिहार के हित में कार्य किया। उन्होंने कहा कि यह ग्राम चौपाल प्रत्येक गाँव में राजद के द्वारा लगाया जाएगा। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार दिवाकर कुशवाहा मौजूद रहे। वहीं काफी संख्या में युवा राजद के कार्यकर्ता बैठक में मौजूद थे। इस दौरान गांधी चौक बांका के आसपास राजद नेता के द्वारा 17 साल बनाम 17 माह में हुए कार्यों को लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने पोस्टर चिपकाते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। फ्लोर टेस्ट तो 12 तारीख को है। जनता ने अपना निर्णय, नीतीश कुमार जी जितना इधर से उल्टे और पलटे हैं, अपना भरोसा और विश्वास उन्होंने जनता के बीच में खो दिया है। हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पिछले 17 महीने में जो कार्य किया है, चाहे वो जाति जनगणना कराने की मांग हो या 75% आरक्षण देने की मांग हो या गरीब जो तबके के लोग हैं, जो 4 लाख परिवार हैं, 2 लाख आवास बनाने के लिए उनको जो दिया जा रहा है, भूमिहीन को ज़मीन खरीदने के लिए 1,20,000 घर बनाने के लिए, चाहे नियोजित शिक्षकों को राज कर्मचारी का दर्जा देने का, 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का, ये सारे काम तेजस्वी यादव जी के सरकार में आने के बाद किया गया है। निश्चित तौर पर जो 17 साल में नहीं हो सका, 17 महीने में तेजस्वी जी ने निश्चित तौर पर बिहार को खुशहाल करने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को कहना चाहते हैं कि आने वाले 2025 में जो विधानसभा चुनाव है उस चुनाव में अपना पूरी ताकत लगाकर आदरणीय तेजस्वी जी को सत्ता पर बैठाने का काम कीजिए और बिहार में खुशहाली आएगी जब तेजस्वी जी को लाएंगे। अरे नेता ने आप कहा है कि हम जो है खेला होगा, तो निश्चित रूप से बिहार में खेला होने जा रहा है। जिस तरह से बिहार में एक लंबी लकीर पिछले 17 महीनों में खींचने का काम किया है, वो बिहार और बिहार वासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो आने वाला समय हमारे राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता युवा आइकॉन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का होगा और सरकार भी जनता की जो है कृपा से हम सरकार भी बनाने के लिए आगे आएंगे और सरकार बना करके ही दम लेंगे। 17 साल बनाम 17 महीने, ये तो हमने काम करके दिखाया है। बिहार की जनता देख रही है कि जो NDA सरकार 17 साल से नीतीश कुमार और बीजेपी के अन्य सभी साथी, सुशील मोदी हो या रेणु कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी हो, जितने भी लोग हैं भाजपा और जदयू के, वो सभी सिर्फ खोखले बयानबाजी में व्यस्त रहते हैं। काम करने की किसी के अंदर जज्बा नहीं है, ना ही मद्दा है, ना ही मिशन मोड में काम करने की कोई उनको उनके अंदर कैपेसिटी है। आज हमारे नेता ने जो काम 17 महीने में करके दिखाया है, जो मिशन मोड में तेजस्वी मॉडल का जो आज उद्घाटन किया गया है 17 महीने के अंदर में, आज बिहार की जनता देख रही है। तेजस्वी जी ने जो काम किया है वो तेजस्वी यशस्वी का कार्य हुआ है और तेजस्वी यादव के ही हाथों में बिहार के बागडोर को देने के लिए हम युवाओं ने जिम्मेदारी ली है और युवा राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। और चंदन सिंह
सीओ व राजस्व पदाधिकारी का विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित। प्रखंड मुख्यालय से सभागार कक्ष में शुक्रवार 9 फरवरी को प्रखंड प्रमुख रविश कुमार की अध्यक्षता में सीओ प्रशांत सांडल्य व रेवेन्यू ऑफिसर आरती भूषण की विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित की गई। सम्मान समारोह में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार, थाना अध्यक्ष विष्णुदेव कुमार, आपूर्ति पदाधिकारी संदीप वर्मा, सांख्यिकी पदाधिकारी प्रमोद कुमार, उप प्रमुख दिनेश सिंह, पूर्व प्रमुख पलटन यादव, बीचू यादव, सीआई मृत्युंजय कुमार सिंह, आवास पर्यवेक्षक जितेंद्र कुमार, स्वतंत्रता सेनानी रहे कृष्ण पांडे सहित अंचल और प्रखंड कर्मी के अलावे प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच आदि मौजूद रहे। आयोजित विदाई सह सम्मान समारोह में जनप्रतिनिधियों ने सीओ व राजस्व पदाधिकारी का कार्यकाल का खूब बखान किया और उनके कार्य को काफी सराहते हुए सीख लेने की बात। सीओ ने भी क्षेत्र के लोगों द्वारा मिला प्यार मोहब्बत का आभार प्रकट किया। सीओ ने कहा कि चांदन के लोगों से जो प्यार मिला है उसे भुलाया नहीं जा सकता। बता दें कि वर्तमान चांदन सीओ प्रधान सांडल्य का स्थानांतरण बक्सर एवं रेवेन्यू ऑफिसर आरती भूषण की जमुई जिला के गिद्धौर को हुआ। चांदन के रेवेन्यू ऑफिसर आरती भूषण गिद्धौर के अंचलाधिकारी के रूप में योगदान देंगी। भाजपा क्षेत्रीय प्रभारी आईटी सोशल मीडिया रंजीत यादव के नेतृत्व में आज दूसरा दिन गांव चले अभियान कार्यक्रम संपन्न। गांव चले अभियान के तहत आज ग्राम मानिकचुक बूथ संख्या 55 एवं विजयनगर में बूथ संख्या 21 के की वोटर से संवाद की। दूसरा दिन इस अभियान में मुख्य रूप से भाजपा क्षेत्रीय प्रभारी आईटी सोशल मीडिया बिहार प्रदेश युवा नेता रंजीत यादव उपस्थित थे। साथ चल रहे अनुसूचित जिला महामंत्री पंकज दास, बूथ संयोजक विकास कुमार मंडल, बूथ संयोजक सुनील चटर्जी, धर्मेंद्र मंडल, कैलाश मंडल, जगदीश यादव उपस्थित थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित जनहितैषी योजनाओं से गरीबों के सपने सच हो रहे। आज जन जन के मन से एक ही आवाज निकलती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद, श्री अमित शाह के मार्गदर्शन, श्री जेपी नड्डा के नेतृत्व तथा हमारे बूथ कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से बनकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में जुटेंगी। प्रसव पूर्व 398 महिलाओं की हुई स्वास्थ्य जांच। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदन अस्पताल में प्रत्येक महीने की तरह शुक्रवार 9 फरवरी को प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर प्रथम कुमार के नेतृत्व में कुल 398 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जाँच की गई, जिसमें चांदन अस्पताल परिसर में 206, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र सुइया में 118, वहीं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भैरोगंज में 74 गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जाँच की गई। स्वास्थ्य जाँच में हीमोग्लोबिन, एचआईवी, ब्लड प्रेशर आदि का जांच किया गया। जांच उपरांत सभी गर्भवती महिलाओं को फल एवं आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए सिरप, कैल्शियम टैबलेट दिया गया। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर प्रथम कुमार ने बताया कि गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच से प्रसव पूर्व जटिलताएं दूर होती है। साथ ही एनीमिक गर्भवती महिलाओं को खान पान, पालक साग सब्जी, मछली, अंडा, दलिया, सहजन पत्ता, भरपूर पौष्टिक आहार लेने की सलाह दी गई, जिसमें बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित रहे। साथ ही साथ उन्होंने गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व प्रत्येक 9 तारीख को स्वास्थ्य जांच कराने का अपील किया गया। मौके पर प्रभारी चिकित्सा के अलावा डॉक्टर शशिकांत, डॉक्टर रमेश कुमार, जय किशोर कुमार, डॉक्टर भोलानाथ गुराई, स्वास्थ्य प्रबंधक परशुराम सिंह, BCM संजय कुमार, प्रखंड प्रसार प्रशिक्षक संजय कुमार आदि चिकित्सक के अलावे ANM, GNM, लैब टेक्नीशियन के अलावे आशा एवं आशा कार्यकर्ता व अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। चंपा कुमारी।